अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे कि आप किस तरह से एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर थीम को यूज़ करने वाले हैं और उसमें जितनी भी सेटिंग्स करनी पड़ती है मैं आपको सारी करके बताऊँगा और एक्टिवेट भी करके बताऊँगा। और अगर आपको ये प्रीमियम थीम फ्री में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला तमाम देखने वालों को फ्री में प्रीमियम थीम प्रोवाइड होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेड थीम है तो यहाँ से मैं अपनी जो थीम है वो वहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास थीम पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, अपीयरेंस में जाके हम थीम्स पे क्लिक करते हैं। अपीयरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपकी थीम्स वगैरह कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। जो जो आपने थीम के सेटअप करने हैं, इंस्टॉल करनी है, डिलीट करनी है, वो वहां से कर सकते हैं। अब आपने न्यू थीम ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी। ये कौन सी थीम है, ये फ्री वाली थीम है जो कि wordpress.org वाली जो कि डायरेक्टरी है वहां पे पड़ी होती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम तो प्रीमियम थीम अपलोड करने वाले हैं। अपलोड कहाँ से होगी, अपलोड होगी आप यहाँ से, अपलोड थीम पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है या फिर वो फाइल यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। अब मैं यहाँ से वो वाली फाइल, तो यहाँ से ये न्यूज़पेपर वाली थीम है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर। यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल नाउ के बटन पे हम क्लिक करने वाले हैं। हम इंस्टॉल नाउ के बटन पे हमने क्लिक कर दिया है, तो सो लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू बी कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। जैसे ये थीम अपलोड होगी ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर इट। सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको पॉज कर देता हूँ इस प्रोसेस को, ठीक है। तो हम ये देखें इंस्टॉल हो चुकी है हमारी कंप्लीटली, तो हम ये इसमें देर नहीं लगाई। तो यहाँ पे ये देखें एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, लाइव प्रीव्यू का आ रहा है और गो टू थीम्स पेज का आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे जो सेंटर में है वो वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक्टिवेट जो थीम है न्यूज़पेपर वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो राइट साइड पे ये हमें बता रहे हैं कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी आप ज्यादा कर लें, ये प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसको बढ़ा लें, ठीक है। अब ये जो कह रहा है कि ये वाले जो प्लगइन्स है ना ये इस थीम को चाहिए, ठीक है, तो आपके पास होने चाहिए ये वाले प्लगइन्स। तो आपने क्या करना है, ये वाले प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर लेने। कहाँ से करने, आप यहाँ पे आएंगे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे और खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा और खुद ब खुद एक्टिवेट कर देगा। कीप वॉचिंग। जी तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। अब हम क्या करने हैं, एक तो ऑप्शन है कि हम प्री बिल्ड वेबसाइट को देख लें और उन्हीं को जो है देख के सेम वेबसाइट बना लें। हम या क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट जो है वो देख लेते हैं, उसी तरह की हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मुझे ये अच्छा लग रहा है और रिव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। अब मैं वापस चला जाता हूँ थीम पैनल के अंदर। थीम पैनल कहाँ पे है, ये वाला थीम पैनल है, ठीक है, और ऊपर से थीम पैनल ये वाला है। आप यहाँ पे क्लिक कर देना। अब ये वाली जो वेबसाइट है आपको नजर आ रही है, ये हमने कस्टम बनानी है अपनी इस न्यूज़पेपर थीम के साथ। देखें ये पेड थीम इसलिए होती है क्योंकि ये आपके प्रीमियम लुक देती है आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को एक अच्छा ब्लॉग बनाती है, जबरदस्त किस्म का ब्लॉग बना देती है और आपके विजिटर्स को अच्छा लगता है और आप पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको वापस आते हैं। ये हमारी जो सेटिंग्स है हमारे जो थीम पैनल की, सबसे पहले हेडर की सेटिंग होती है, ठीक है, जो है यहाँ पे हेडर का स्टाइल होते हैं बहुत सारे, ठीक है।
उसके बाद टॉप बार होती है, मेन्यू बार, लोगो एंड टैब आइकॉन, ये सारी सेटिंग्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जाना है जी अपने थीम पैनल के अंदर, हम आ चुके हैं। उसके बाद हम वेलकम पे दोबारा जाएंगे। वेलकम पे जाने के बाद हम जो है प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने कुछ चीजें देखनी है, हम टैग डिव एक्टिव है, टैग डिव क्लाउड एक्टिव है, ठीक है, टैग डिव सोशल काउंटर एक्टिव है, टैग डिव न्यूज लेटर हमें चाहिए तो ये एक्टिव नहीं है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग डिव मोबाइल थीम, इसको भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर लें, ये अच्छी चीज है, ठीक है। रिटर्न टू टैग डिव प्लगइन्स पैनल, तो यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो चुका है। रेवोल्यूशन स्लाइडर अगर आपको चाहिए तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, हमारे पास है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो प्लगइन्स में आके ये आपको यहाँ पे देखें, जीएस कंपोजर, ठीक है, टैग डिव कंपोजर, न्यूज लेटर, और ये रेवोल्यूशन स्लाइडर आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ, दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।